की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के ऐसी चीज़ों के बारे में, यानी ऐसे क्वेश्चन जो 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। अब आपको लगता होगा नहीं ये तो सिर्फ कहने की बात है, तो कहने की बात नहीं है, सिर्फ हकीकत है कि 110% ऐसी अच्छी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे आपका इंग्लिश पता है कि 100 नंबर का होना है, ठीक है, इसमें आपके कोई भी प्रैक्टिकल के एडवांटेज नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ में आपका 50 नंबर आपका लिटरेचर होगा और 50 नंबर आपका ग्रामर होगा। लिटरेचर में 3 सेक्शन होंगे, आपका होगा प्रोस, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। पोएट्री सेक्शन में आपके सेंट्रल आइडिया आते हैं 4 नंबर में। तो सेंट्रल आइडिया में टोटल बाबू जो आपका, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है वो 30% UPMSP के द्वारा रिड्यूस कर दिया गया है, और आपके जो पढ़ने थे उसमें टोटल 70% सिलेबस पढ़ने थे, जिसमें टोटल आपकी जो पोम है वो 5 पोम है। ठीक, 5 में से आपके सेट में बाबू 3 पोम आएगा, जिसमें से आपको 1 पर सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया लिखना बहुत ही आसान है, आप ऑलरेडी इसकी YouTube पे वीडियो पड़ी हुई है, इसी पर आप जाकर क्लास 12th की एक प्लेलिस्ट होगी जिस पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। अब इसमें बाबू जैसे आपके सेट टोटल 5 हैं, तो UPMSP जब एग्जाम होगा तो उसमें 5 सेट बनेंगे, तो एक सेट में आपके 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे और 3 में से आपको एक करना रहेगा, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म आपका उसमें है माई मदर 66, दूसरा है थिंग ऑफ ब्यूटी, और तीसरा आपका एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, चौथा है आपका आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, अब इसमें से जैसे आपके 4, ये लगभग 4-5 हो गए, जिसमें से अगर आप 3 में से, अब जैसे 5 टोटल हो गए, सेट बनेगा 3 का, यानी 2 सेट बनेगा, तो दोनों में से आप अगर 2 याद कर लेंगे तो आपका 4 नंबर 110% आपका कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी आनी ही आनी है, और सब्जेक्ट के मुताबिक अगर बात करें तो ये आपका थोड़ा सा इसमें एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आपके पास ये चीज़ें आनी ही आनी है। तो 5 टोटल आपके उसमें पोम मिलते हैं, 5 में से आपके एग्जामिनेशन में 3 आते हैं, तो 3 में से आप तकरीबन, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर कामचोरों में से हैं, अगर कम समय में आप याद करना चाहते हैं तो 2 याद कर लीजिए, माई मदर 66 और थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, और अगर 3 याद करने की सलाह दी, 3 अगर याद कर लीजिए तो 110% आपके 4 नंबर आपके एग्जाम में मिल ही जाएंगे। डैट मीन्स आज से अपनी कैलकुलेशन अब आप 96 से करिएगा, आपके टोटल आपके होंगे इंग्लिश 100 मार्क्स का, जिसमें आप ये मान के चलिए कि 4 आपको मिल चुका है, आपको 96 के लिए मेहनत करनी है। 3 रिवाइज कर लीजिए, माई मदर 66, कीपिंग क्वाइट, और आपका होगा थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक, लिखने में बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले किसी भी बाबू अगर आपकी सेंट्रल आइडिया को लिखनी है तो बस इतना लिखिए, द पोम, जैसे आपको लिखना है माई मदर 66, तो सबसे पहले लिखिए द पोम माई मदर 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, फिर 2-4-6 लाइन आप बीच में जितना भी लिख सकें उतना लिखें, उसके बाद लास्ट में आप लिख दें फ्रॉम दिस पोम द पोट हैज गिवन अ वेरी ब्रॉड मैसेज टू ऑल ऑफ अस। ठीक, यानी इस कविता के सबसे पहली चीज़ आपको जितने भी पोम हैं उसके पोट का नाम पता होना चाहिए कि किसने कौन सी कविता को लिखा है, लास्ट में यही लाइन चिपका दो, ठीक है, दिस पोम इज कंपोज्ड बाई फला एंड फ्रॉम दिस पोम द पोट वॉन्ट टू गिव अस अ वेरी ग्रेट मैसेज, कि इस कविता के माध्यम से पोट ने बहुत बड़ा मैसेज हमको दिया है। पोम कोई भी हो, उसमें कोई ना कोई मैसेज आप सबको मिला है, वही बात है, ऐसी लाख है मिला चौजन के साथ खाई ले वो आराम के, सिवाय कोनो नुकसान तुम्हें ना पहुंचे। ठीक, तो सीधी सीधी बात है, इसमें आप इतना 3-3 आप प्रिपेयर कर लीजिए, 4 नंबर आपके टोटल 100% आपके क्लियर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आप एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा इसमें बाबू, चैप्टर 1 जैसे आपका है लास्ट लेसन, तो लास्ट लेसन पर आपकी हाल ही में एक वीडियो अब कल तक में आपकी अपलोड हो जाएगी, जिसमें से उस चैप्टर के 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है जो आपके 100% एग्जाम में आने के चांसेस है। बेसिकली शॉर्ट आंसर से 5 को रिकवर किया गया है। अगर बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पोएट्री प्रोज सेक्शन से 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 में से आपको 2 करना रहेगा, जिसमें से चैप्टर 1 का एक सेट हमने तैयार किया जिसमें आपके 5 क्वेश्चन है, 5 सॉल्व कर लेंगे तो 110% मान के चलिए कि उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है। Thank you so much for watching. Please do not forget to like, share and subscribe.